दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए TWS ईयरबड है, जो इसके लिए गेमिंग TWS ईयरबड है। तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, एडियो डिटेल्स, फीचर्स एंड प्राइसिंग वगैरह बताऊँगा। अरे बताऊँगा क्या इस प्राइस इस TWS ईयरबड को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चले फिर दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि TWS काफ़ी इंटरेस्टिंग है और भी बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए। ऐसे कुछ कमाल की डिटेल वीडियो आते रहती है, उसे अपने फोन पे सबसे पहले जल्दी जल्दी देख पाए। तो चलिए फिर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बम्बर की ब्रांडिंग रखी गई, जो जिसके लिए मॉडल नंबर है TWS ईयरबड का 3D प्रिंटिंग वगैरह दी गई। यहाँ पे मेंशन किया गया सुपर वर्ड्स प्रो GT99, जिसके लिए इसका मॉडल नंबर है, जो काफ़ी सही से बनाया गया। जिसके लिए मॉडल नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी गेमिंग के हिसाब से सही लग रहा है। इधर आपको योर फेस इज योर गेमिंग की ब्रांडिंग वगैरह की गई है। इधर कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स वगैरह सारे मेंशन वगैरह किए गए, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ए टू जेड डिटेल्स वगैरह ये मेंशन किया गया। यहाँ पे हैश टैग की ब्रांडिंग की गई है, तो हैश टैग इसका काफ़ी, जो इसके लिए टैग लाइन है, जो हैश टैग की ब्रांडिंग की गई है। तो फटाफट ओपन वगैरह करते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेंशन किया गया दोस्तों, चार्जिंग 2 आवर बिफोर फर्स्ट यूज मैंडेटरी। अगर यूज करने से पहले इसको आपको 2 घंटे चार्ज वगैरह करना होगा, तब इसकी बैटरी लाइफ वगैरह अच्छे से आपको निकल के आएगी। तो चलिए फिर दोस्तों, ओपन वगैरह करते हैं फटाफट। ए है फिर बॉक्स पैकिंग निकालते हैं, लिड को इस साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको लाइफ रन फॉर बम्बर की ब्रांडिंग की गई, तो बम्बर पर लाइफ अपना रन कीजिए। यहाँ पे आपको वेलकम के साथ हमारा साथ स्वागत होता है, जहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह दिया गया, जो काफ़ी सही लग रहा है। जिसके लिए हैश टैग वाला है, काफ़ी मुझे सही लग रहा है, यूज वगैरह करने वाला हूँ। यूजर नेम वाला दिया गया, जो कोई पढ़ता वगैरह है नहीं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, क्योंकि सारे फीचर्स मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। इधर आपको ओपन करूँगा दोस्तों, तो ईयरबड रखा मिल जाता है। इसको निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ चीज़ें मिलती है, काफ़ी कम्फर्ट के साथ आता है। तो इधर मिल जाता है, ईयरबड मिल जाएगा और टाइप सी केबल वगैरह मिल जाएगा, तो इस चीज़ को चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो इन सबको साइड में रखते हैं दोस्तों। बम्बर की ब्रांडिंग के साथ आने वाला TWS ईयरबड, जिसकी सबसे पहले कलर एंड बिल्कुल ठीक बात करो तो कलर तो देख पा रहेंगे, फुल्ली मेट ब्लैक है, जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया है, ए भी ग्लॉसी ब्लैक वगैरह दिया गया, जो देखने में काफ़ी डिजाइन वगैरह काफ़ी सही लग रहा है। बॉक्स की डिजाइन है, काफ़ी एजेस वगैरह काफ़ी इसमें को एकर वगैरह किए गए, लेकिन काफ़ी बड़ा है ईयरबड, गेमिंग ईयरबड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है, क्योंकि बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा दी गई, तो उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा रखा गया। लेकिन डिजाइन के बताऊँ, डिजाइन के मामले में दोस्तों फुल नंबर है, 10 of 10 दूंगा नंबर, क्योंकि डिजाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी सॉलिड सी बिल्कुल देखने में लग रही है। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह दिया गया है, इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रखा मिल जाता है हमारा ईयरबड, जहाँ पे आपको LR की ब्रांडिंग की गई, यहाँ पे लाइट की ब्रांडिंग की गई, जो देख पाएंगे ईयरबड में कितनी बैटरी चार्ज हुई है। यहाँ पे आपको लाइट दिया गया, तो RGB लाइट आपको भर भर के दिया गया, जो देखने में ऐसे देखने तो काफ़ी सही सी लग रही है। तो ओपन करेंगे दोस्तों, मैग्नेटिक के तो ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैंडेटरी है। ओपन करते हैं, इसको साइड वगैरह में रखते हैं। इसकी बात करूँ TWS ईयरबड के बारे में दोस्तों, तो ए है, काफ़ी सही लग रही है। इसकी डंडी वगैरह काफ़ी लंबी है, काफ़ी बम्बर की यहाँ पे बेसिकली ब्रांडिंग वगैरह की गई। यहाँ पे हैश टैग की ब्रांडिंग की गई है, जो आपको लाइट वगैरह जलेगा, जैसे इसको चार्ज वगैरह हम लगाएंगे तो लाइट वगैरह जलेगा, तो काफ़ी जो देखने में लग रहा है ना, काफ़ी सही लगता है। जैसे इसको चार्ज वगैरह के देख रहे, काफ़ी अलग लग रहा है। हैश टैग जो दिख रहा है काफ़ी सही से लग रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सही लगता है। इसमें आपको दोस्तों 2 माइक इसमें दिया गया, 2 माइक इसमें दिया गया, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक वगैरह दिया गया, जिससे कॉलिंग वगैरह काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। जहाँ पे दोनों तरफ LR की ब्रांडिंग की गई है। ड्राइवर की बात करूँ दोस्तों, 11 mm का ड्राइवर है। उसके हिसाब से बैटरी लाइफ के हिसाब से बात करूँ तो काफ़ी ड्राइवर का साइज बड़ा है, अगर थोड़ा छोटा हो तो काफ़ी सही होता। वैसे पेन वगैरह नहीं आता है कि 2 घंटे लगा कर रखेंगे तो पेन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम 4-5 घंटे के लगा कर रखेंगे थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ वगैरह ज़्यादा दी गई, तो उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी थोड़ा बल्कि लग रहा है और काफ़ी थोड़ा इसके बड़ा डिज़ाइन वगैरह देखने में लग रहा है। अब इसके फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी लाइफ की बात करूँ तो केस की बैटरी की बात करूँ तो इसको एक बार फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे लगेगा, लेकिन एक बार इसको फुल चार्ज वगैरह कर लेते हैं तो ईयरबड और केस को दोनों की मिला के बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो 40 से 45 घंटे के आसपास मिल जाएगा। ईयरबड की बात करूँ तो 4 से 5 घंटे के आसपास इसकी मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से RGB लाइट के हिसाब से, गेमिंग मोड के हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा नंबर वगैरह मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। इतने नंबर वगैरह गेमिंग ईयरबड में काफ़ी RGB लाइट के साथ नहीं मिलते, तो ये काफ़ी सही है। जिसमें आपको दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, अगर इसको 15 मिनट चार्ज करते हैं तो 2 घंटे के आसपास यूज वगैरह कर पाएंगे, जो काफ़ी सही है। BT 5.3 का एडवांस कनेक्टिविटी वगैरह दिया गया, जो काफ़ी फास्ट रिपेयरिंग वगैरह हो जाता है, कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होने, अच्छे से कनेक्ट वगैरह करके गाने वगैरह अच्छे से सुन पाएंगे। उसके बाद बात करो दोस्तों, IPX5 सर्टिफाइड है, तो
PS5 जो होता है वाटर रेजिस्टेंट होता है, थोड़ा बहुत पानी अगर इस पर चला जाए तो कुछ नहीं हो सकता, पानी के नीचे धर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत पानी जाता है कभी गलती से मुंह धोते समय तो उससे कोई भी प्रॉब्लम रहने वाले, अच्छे से यूज वगैरह कर पाएंगे। उसके बाद बात करूँ दोस्तों साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको दोस्तों 11 mm का ड्राइवर दिया गया है, जो साउंड की क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो लॉर्डनेस के मामले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बड़े नंबर वगैरह ड्राइवर के मिल जाते हैं, लेकिन साउंड की क्वालिटी में उतना मुझे कुछ खास नहीं मिलता, बेस्ट तो मिल जाता है लेकिन साउंड की क्वालिटी अगर गाने वगैरह सुनना चाहते हैं तो गाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, साउंड की क्वालिटी प्राइजिंग हिसाब से ठीक ठाक नहीं है, अपने हिसाब से और भी अच्छा ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इसमें कॉलिंग के लिए दोस्तों नॉइज कैंसिलेशन माइक वगैरह मिल जाएगा, दो इसमें माइक वगैरह मिल जाएगा, तो कॉलिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो कॉलिंग का एक्सपीरियंस होता है काफ़ी सही होने वाला है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों गेमिंग का, तो इसी के लिए बनाया है दोस्तों, गेमिंग के लिए बनाया गया, इसलिए इसमें 35 ms लो लेटेंसी वगैरह मिल जाता है, तो गेमिंग मोड वगैरह ऑन करेंगे तब वो जाके मिलेगा, नॉर्मल मोड वगैरह यूज करेंगे, मैंने यूज किया था तो मुझे लगा वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन जैसे गेमिंग मोड वगैरह ऑन किया काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लो लेटेंसी वगैरह काफ़ी सही निकल के आ जाता है। तो अगर गेमिंग के लिए दोस्तों और कॉलिंग वगैरह के लिए परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसको फुल्ली रिकमेंड करूँगा, साउंड क्वालिटी के और गाने के लिए तो रिकमेंड वगैरह नहीं करूँगा, गेमिंग में इसको फुल सपोर्ट है, हैशटैग लगाइए और वायरल वगैरह कर दीजिए वीडियो, तो इसको दोस्तों इसके लिए परचेज वगैरह कर सकते हैं। गेमिंग के लिए जैसे बता फुल सपोर्ट है, परचेज कीजिए, काफ़ी एयरबड सही है, बड़ा देखने में लगता है। प्राइस में रही बात करूँ तो इसके दोस्तों मैंने इसके लिए फ्लिपकार्ट से परचेज वगैरह किया तो 1200 रुपये के आसपास प्राइसिंग है, तो 1200 में मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए अगर जाएंगे तो काफ़ी सही ऑप्शन मिल जाता है, डिजाइन वगैरह तो ऑसम लेवल के है ही, दो आँखियाँ मिल जाते हैं, वारंटी वगैरह मिल जाएगी, तो गेमिंग के लिए दोस्तों फुल सपोर्ट है जैसे बताया आपको, तो गेमिंग के लिए आँख बंद करके इसको परचेज वगैरह कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों अगर परचेज आपको नहीं करना है तो मैं कर रहा हूँ इसका गिव अवे के, तो गिव अवे के लिए करना क्या है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले काम तो ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, उसके बाद कमेंट वगैरह करना और वीडियो का लाइक वगैरह करना, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को कोशिश कीजिए फुल वॉच वगैरह करना है। उसके बाद दोस्तों जिस दिन भी 100 लाइक का टारगेट वगैरह पूरा हो जाएगा उसके अगले वगैरह जो भी वीक वगैरह आएगा उसका उसमें इसका गिव अवे का विनर वगैरह अनाउंस कर दूंगा, तो फटाफट दोस्तों देर मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को वायरल वगैरह कर दीजिए, हैशटैग गिव अवे लगाइए और वायरल वगैरह कर दीजिए, तो फटाफट टारगेट वगैरह पूरा कराइए। और एक चीज़ और कर सकते हो दोस्तों, ये है डायमा का फेस वॉश, इसके लिए मैं यूज वगैरह कर रहा हूँ, काफ़ी सही है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ये आप चारकोल फेस वॉश है, इसके लिए एलोवेरा का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको ग्रीन टी का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, तो अगर आपको इसके लिए फेस वॉश यूज करना, अच्छी क्वालिटी यूज वगैरह करना, आपको दाने वगैरह प्रॉब्लम रहता है, ऑयली फेस वगैरह है तो इसके लिए जा सकते हो, ऑयली फेस के लिए खास कर रिकमेंड वगैरह करूँगा तो काफ़ी सही है, लिंक वगैरह दे दूँगा, चेक कर सकते हैं, इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है तो आप वहाँ से परचेज वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यूज करते समय तो इस प्रोडक्ट के लेकर फुल सपोर्ट करूँगा, तो मेरी तरफ से दोस्तों फुल सपोर्ट है, इसको जाकर परचेज कीजिए और यूज वगैरह कीजिए, और जो भी हेयर प्रॉब्लम वगैरह आया है, कोई भी चीज़ कंडीशन वगैरह चाहिए तो हर तरीके का वहाँ पर लोशन वगैरह मिल जाएगा, तो उस वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए वो परचेज वगैरह कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे बताया कर लीजिए, और आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।